चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपके पास एक बिल्कुल सेकंड लास्ट, जिसको कहते हैं जैसे ओवर बॉलिंग करते हैं तो सेकंड लास्ट बॉल है, तो सेकंड लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें दो एक्सरसाइज है बेसिकली। एक नॉर्मल गिवन इक्वेशंस होती है, उसके डायग्राम क्रिएट करने होते हैं, और एक सेकंड वाली एक्सरसाइज है। तो आज हम पहली एक्सरसाइज के लिए तुमको बात करके इसका वीडियो क्रिएट कर देते हैं। इसको पूरी तरह से आप लोग अभी क्लास में हैं देख लीजिए, और घर जाके आज इसको बना लीजिए। और मेरी राय के अनुसार इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है, हम ये कहेंगे कि आप इसे छोड़ देना, क्योंकि बोर्ड पर सेकंड वाली एक्सरसाइज पर अभी तक यूपी बोर्ड का ट्रेंड रहा है, कभी किसी ने कोई सवाल दिया नहीं है। आता पक्का है, एक सवाल फिक्स रहता है, लेकिन वो एक्सरसाइज पहली होती है। और जब मैं सीबीएसई की बात करूँगा तो बेसिकली वो सेकंड एक्सरसाइज होती है। आपके यहाँ अब तक यूपी बोर्ड में पहली एक्सरसाइज का ही हमेशा क्वेश्चन दिया गया है। आने वाले समय में भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो पहली एक्सरसाइज का ही सवाल होगा। जिन जिन बच्चों ने क्लास 11th में चैप्टर होता था लीनियर इनइक्वेशन, उसमें आखिरी एक्सरसाइज ग्राफ की होती थी। उस ग्राफ में हमने बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि कब आप बाहर शेडिंग करते हो, कब आप अंदर शेडिंग करते हो। अगर वो तरीका आपका क्लियर है तो आज भी कुछ नया नहीं है, एक यूनिक मेथड हम आपको बता देने वाले हैं, उससे आप परफेक्ट कंसेप्ट पकड़ लेंगे। हाँ, किताब में क्या है कि एकाध सवाल में इरर है, लेस देन ग्रेटर देन का मतलब सवाल का इरर नहीं है। हुआ क्या है कि जैसे यहाँ पर जो सिंबल बनाया गया है उसके हिसाब से इरर आ गई है, तो एकाध सवाल में है वो, हो सकता है वो पहला ही एग्जाम्पल हो। तो जब मैं बनाऊंगा तो आपको उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर करा दूंगा, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। एकाध सवाल में गड़बड़ है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, एकाध सवाल में, दो सवाल में गड़बड़ ऐसी है कि ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं है। वो जैसे वो लिखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14, और एक इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 17। तो हो सकता है इसमें इस तरह का गड़बड़ हो कि इसने ऐसे बनाया हो, और हो सकता है आपकी पिक्चर ऐसे आए। तो वो गड़बड़ कुछ नहीं है, वो राइट टाइपिंग मिस्टेक है, या उसको रिवाइज नहीं किया गया किताब को, वो मिस्टेक हो सकती है। तो ये एकाध सवाल में है, बाकी सब जगह लागू नहीं होगी। तो मैं कंसेप्ट इसका परफेक्ट देता हूँ, उसको पकड़िए और उसको आज लगा डालिए, उसमें कोई इब्बट नहीं होना चाहिए। एक पहली एक्सरसाइज फाइनली लगा के ख़त्म कर लीजिएगा। और बार बार आए हुए सवाल हैं, ये लगभग हर बोर्ड का सिनेरियो है। तो हम शुरू करते हैं, अगर पहले ही एक क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो हम आपको बता देंगे कि ये दिक्कत देखो यहाँ है, इसको ठीक किया जाए। कहता है आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या को हल कीजिए। यहाँ पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं, इन ग्राफ को लेकर के आपको लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक समस्या हो सकती है किसी सवाल में, एकाध सवाल में, सब में नहीं हो सकती, हो सकता है वो पहला ही सवाल हो। कहता है ये इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफ की विधि से हल कीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, और z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y की मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान बताइए, 5x 2y का अधिकतम मान बताइए। तो काफ़ी सरल सा कंसेप्ट है, आप इसको समझिएगा। आपको हमने ऐसे इक्वेशन की ड्राइंग करनी क्लास 11th में लीनियर इनइक्वेशन में सिखाई थी, रैखिक समीकरण जो थी। अब ग्राफ आज भी वही है, बस आपको बनाना आना चाहिए। मैंने कहा था ये लीनियर माने लाइन, और सब बच्चे स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया स्ट्रेट लाइन का सबसे खूबसूरत फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स एक्सिस में 40 काटेगा, वाई एक्सिस में भी 40 काटेगा, तभी तो यहाँ वन बनेगा। तो आप इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत साधारण है, जो मैं बिल्कुल यूनिक देता हूँ आपको। एक्स में 40 काटा तो 40, 0, एक्स में भी 40, वाई में 40 काटा तो 0, 40। पक्का है ना? किसका सिंबल लगा है? लेस।
तो किधर रहना है? अंदर। ग्रेटर लगा होता तो किधर रहते? ये तरीका आपको मैं लीनियर प्रोग्राम पिछले साल लीनियर इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जब तक सारे ग्राफ ड्रा ना हो जाए तब तक कोई शेडिंग ना की जाए, राइट। अब ये क्या बता रहा है? 70 नीचे ले आए, यक्ष में 35 वाई में 70, थोड़ा पहले हल्का सा वाई में 70 यानी और ऊंचा 40-30 करीब यहाँ से। डायग्राम ड्रा हो गया है, कहाँ से पास होगी, क्या पास होगी, क्लियर हो गया है। एक्स में 70 वाई में, अब इन्होंने कहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इधर जाइएगा, वाई ग्रेटर देन जीरो तो इधर रहिएगा, मतलब नीचे नहीं जाना पीछे नहीं जाना यहीं रहना है। तो ये लेस देन जीरो बोलता है तो इसका मतलब ये कहाँ की लोकेशन है? इस लाइन के अंदर। और इसमें भी लेस बोला हुआ है तो इसके भी अंदर, तो इसके भी अंदर रहना है और इसके भी अंदर रहना है, तो गड़बड़ा गया मामला। ये तो हमारा ये एरिया बन जाएगा, देखिए बाउंड्री देखिए, लेस बोले तो इसके अंदर और लेस ही बोले तो इसके भी अंदर, तो हमारा शेडेड एरिया कौन सा होगा? वो ये होना चाहिए। लेकिन आप अपनी किताब में देखेंगे तो पहला ही सवाल गलत जगह शेडिंग पाया जाएगा, मिला क्या? तो वो सवाल में राइटर ने गलती नहीं करी है, एक्चुअली यहाँ छोटी सी एरर है। इस जगह का सिंबल ये था, समझ गए कि नहीं? तो इसमें ग्रेटर होना था और इसमें, तो आपकी किताब में ये एरिया सेट किया गया होगा, देखो चेक करो, यही सेट किया है ना। ऊपर का एरिया क्यों सेट किया है? क्योंकि यहाँ ग्रेटर है तो इसके ऊपर रहना है और यहाँ लेस है तो इसके नीचे रहना। लेकिन अगर दोनों लेस हैं, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास होता तो मैं यहाँ कदापि ना जाता, आप समझ रहे हैं ना। ये एक दो सवालों में टोटल प्रॉब्लम है, ये हर जगह नहीं है ये। और ये कोई एरर भी नहीं कि नहीं कोई किताब वाला इधर कर दिया है, राइटर ने गलती करी है, राइटर ने कोई गलती नहीं करी है, टाइपिस्ट ने एक छोटी मिस्टेक करी है यहाँ, जो ग्रेटर और लेस का मैटर है। तो अगर यहाँ ग्रेटर होता तो मैं इसके ऊपर जाता और लेस होता तो इसके नीचे। इसके ऊपर इसके नीचे कौन सी जगह आपकी सेट करती है? यही वाली। लेकिन अगर दोनों में लेस का सिंबल लगा होता तो क्या होता? इसके भी नीचे और इसके भी अंदर, तो ये भी जगह छोटी गई, ये भी छोटी गई, ये वाली पकड़ी जाएगी। तो शेडिंग करनी आ गई कि नहीं आ गई? इस सवाल के दोनों आयाम मैंने दिखा दिए हैं, चाहो तो आप इसे ठीक करके इस सवाल को देखो और चाहो तो आप ओरिजिनल सवाल रहने दो और हमारे हिसाब से चलो। अगर किताब के हिसाब से आंसर पाना है तो आप इसको इस जगह थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए अपनी किताब में, पहली वाली इक्वेशन में जहाँ लेस का सिंबल बना हुआ है वहाँ ग्रेटर बना दीजिए, राइट। सबकी किताब में होगी दिक्कत, वहाँ ग्रेटर का सिंबल बना। ओरिजिनल क्वेश्चन में जहाँ एक्स प्लस वाई लेस देन 40 लिखा हुआ है उसका सिंबल कन्वर्ट करके ये कर दीजिए, तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएंगे। तो हम भी वही करेंगे जो आपकी बुक ने फिर दे दिया है। एरर पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपका एरिया कौन सा सेड होगा? ये वाला। अब आपने ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया और एक आखिरी स्टेप बचता है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आते हैं, फ्री के नंबर देके जाते हैं, कभी 8 नहीं आएगा तो 5 देके जाएगा, लेकिन देके जाएगा जरूर, मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, इतना करने का। ग्राफ बना लिया आपने, और ग्राफ बनाने के बाद आपसे कहेगा इसकी फलानुमा की अधिकतम या न्यूनतम जो भी बोले वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बना देना है, टेबल में एक पॉइंट आएगा कॉर्नर पॉइंट सीपी, टेबल में पॉइंट आएगा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं सुनिएगा, जो इस एरिया से घिरे हुए कोने हों वही है मेरे कॉर्नर पॉइंट। तो एक पॉइंट मेरा 0.40 है, दूसरा 0, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही तो है,
तो आराम से दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सीधा माइनस मार दिए तो कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस का 30, एक्स का मान 30 हो जाएगा क्या, और वाई का मान यहाँ रख देंगे तो 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 30 कॉमा, तो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट को टेबल में डाल दीजिए, 0 70 0 40 30 10 कर लिया। और जो जेड का ये मान था, जेड बराबर यहाँ लिख दीजिए 5x प्लस 2y। अब इन वैल्यूज़ को इसमें इम्प्लीमेंट करिए, 140 सबसे बड़ा मान कौन आया है, 170। तो आप बता देंगे इस फलन का अधिकतम मान कितना है, इतना करने के मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, क्या बेकार लग रहा है, एकदम परफेक्ट कंसेप्ट होगी, एक को टाइम नहीं लगता है, फ्री के नंबर मिलते हैं, कई बार कंपलसरी सेक्शन का मैटर होता है, कई बार ऑप्शनल, जैसे 8 नंबर में आएगा तो हमेशा ऑप्शनल होगा किसी के साथ, 8 नंबर वाले सारे सवाल ऑप्शन होते हैं ना, एक आप करोगे एक नहीं करोगे, तो आपको मन करे तो ये करिए, आपका मन करे तो वो करिए, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इसका सारा आंसर सही है, ग्राफ भी अब सही हो गया है, तो ग्राफ में जो एरर आ रही थी उसका कारण भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक्सरसाइज या एग्जांपल के एक दो सवालों में अगर एग्जाम फंसता है तो आप उसको जो है समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, इतनी बुद्धि आपके पास मौजूद है। दो सवाल और बता देता हूँ और ये एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आज के आज आपके हवाले करता हूँ, इसे आज ख़त्म करना हो तो आज बता दो और कल ख़त्म करना हो तो कल बता देना, लेकिन टाइम जो लेना उसमें ख़त्म करके आना, समझ गए कि नहीं। एक और सवाल दे देता हूँ, इस सभी सवालों पर नज़र डाल लेना, एग्जाम्पल के हर सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है, लेस देन 24 2x प्लस y लेस देन 32 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो गई करते हैं, ग्रेटर देन 0 और एक कोई वैल्यू दे रखा है z बराबर 150x प्लस 250y, 250 का अधिकतम मान चाहिए। तो अधिकतम मान तो बात की बात है, पहले आप ग्राफ तो बनाइए, तरीका आ गया है, यक्स में 24 वाई में 24, हाँ आप इनको लेकिन अलग साल्व जरूर करिएगा, हम लोग तो ओरल तूफानी कर सकते हैं लेकिन आप जब इसे एग्जाम में करिएगा तो इसे ज़रूर अलग करिएगा, बोलो कर लेंगे, यक्स में 24 और वाई में 24, यक्स में 24 और वाई में 24.0, यक्स में 16 वाई में 32, यक्स में 16 वाई में 32, ये यूनिक मेथड है दुनिया का जो तुमको ग्राफ बनाना सिखाता है, वो भी लाइन का, बन गया, क्या लिखा है, लेस लिखा है तो इसके नीचे रहना है, इसमें भी लेस लिखा है तो इसके नीचे रहना है, कौन सा एरिया सेड होगा, इसके नीचे मतलब नीचे जाओगे और इसके भी नीचे बाउंड्री आ गई तब यहाँ नहीं जा सकते हो गया, एरिया की सेटिंग हो गई। एग्जैक्टली वही चैप्टर है जो क्लास 11th में आपको लीनियर इनिक्वेशन सिखाता है, रैखिक असमिका। तो एक पॉइंट तो हमारा 0 0 मिल गया, एक पॉइंट मेरा 16.0 मिला हुआ है, एक पॉइंट मेरा 0.24 है, एक और पॉइंट भी है, क्या है बताओ, ये दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा आसानी से, माइनस 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 कट गया क्या, ये माइनस एक्स बराबर 24 8 32, एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8, एक्स को 8 यहाँ रख दें तो वाई 16 हो जाएगा क्या, मिल गए सारे कॉर्नर पॉइंट, जिससे ये एरिया घिरा हो कॉर्नर पॉइंट निकाल दीजिए और एक बढ़िया सी टेबल बना दीजिए, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए, तरीका समझ में आ रहा है क्या करना है, समझ लो ये आज आप आधा घंटा भी मेहनत कर लेते हैं तो आपके लिए
मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 नंबर लेकर के चैप्टर आएगा। क्या कहते हैं, बुरा है? बहुत अच्छा है, फ्री के नंबर हैं। 4 पॉइंट हैं तो 4 पॉइंट की टेबल बना दें। पॉइंट कौन कौन हैं? 0 0 चाहे जहाँ से लिख दें उससे कोई दिक्कत नहीं है। 16 0 8 16 0 24 है क्या? भाई गधा है वो, एरिया में है क्या, नशा खा के बैठा है? बस आप इनकी वैल्यूज को यहाँ डाल दिए तो ये तो 0 ही आएगा। 16 × 150 कर दीजिए ये कुछ आ जाएगा, 8 × 16 8 और 16 रख दीजिए ये कुछ आ जाएगा, 0 24 रख दीजिए ये भी कुछ आ जाएगा। इसमें से न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम पूछा है? अधिकतम पूछा है तो एक मान अधिकतम होगा उसी। भाई सबको देखेंगे तो बड़ी वैल्यू तो पता चलती है कि नहीं चलती है, कि लिखूँ तब आएगा। ग्राफ सही आ रहा है? देखो देखिए, जो गलती पिछले वाले सवाल में थी सेम सीन वही था ना, लेस देन के सिंबल लगे थे तो इसका डायग्राम कुछ और था, इसका डायग्राम कुछ और है। तो वी आर करेक्ट, हमारे पास पहले से तो कंसेप्ट है कि लेस हो तो अंदर, ग्रेटर हो तो बाहर, नथिंग ए मैटर। बन जाएगा ना? एक सवाल और दिखा दूं, तीसरा वाला। हाँ सब में ग्रेटर ही है, लेस का मतलब अंदर, ग्रेटर का मतलब बाहर। हाँ इलेवेंथ में लीनियर इनिक्वेशन नहीं पढ़ी है तो समस्या है, पढ़ी है तो एकदम हलुआ है, घास फूली है, लगा लो खा लो। चलो एक और सवाल, बढ़िया सवाल, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। x plus less than 120, x plus y greater than equal to 60। आ गया ना greater? एक और बढ़िया सी, एक नई सी चीज, x minus y greater than 0। हाँ x minus y greater than 0 और वो x y greater than 0 है ही, है ना? कराए इसका मामला फिट करिए, और z की वैल्यू कौन है? 5x plus 10y। वो तो बात की बात है, तो सरल सा काम है, ग्राफ बनाना कठिन है, ग्राफ को अडॉप्ट करो। और हमने तुमको बिल्कुल ग्राफ बनाने का यूनिक मेथड आपके पास है, जब कभी भी भाई ये लाइन ही है सारी, इससे तभी तो रैखिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है, रैखिक। तो लाइन कर्व बनाने का दुनिया का सबसे खूबसूरत फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 120 से डिवाइड करने से बन बना दें। तो x में कितना काटेगा? 120। वाई में कितना काटेगा? 60। अब ओरल भी कर सकते हैं, x में 120, थोड़ी लंबी कर दो लाइन, 120 अंदाजे तो लगाना होगा, यहाँ जो है मेजरमेंट करके लिखना है। अब इतना बड़ा 120 है तो इतना छोटा 60 होगा। पहले ड्राइंग करो, लेस ग्रेटर तो बात की बात है, कहाँ होगा? x में 60, y में भी 60, निकल जाएगा यहीं से। इसका क्या होगा? ना x में कोई इंटरसेप्ट होगा, ना y में कोई इंटरसेप्ट होगा। अरे जीरो है तो y बराबर mx नहीं है? अगर ये 0 है तो x और y में कोई इंटरसेप्ट कटेगा ही नहीं, लेकिन बनेगी तो कहीं ना कहीं, कहाँ बनेगी बड़ा प्रश्न ये, कैसी दिखेगी ये? ये तो दिखने लगी कैसी दिख रही है, ये कैसी दिखेगी? ओरिजिन से y बराबर mx, y बराबर, अगर इसको मैं देखूं तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, ये उधर चला गया, x अक्ष के साथ 1/2 दिखा रहा है, यानी 30 से भी कम है, 45 से कम होगा। एक होता तो 45 होता, एक से कम होता तो 45 से कम होगा, और एक से बड़ी वैल्यू होती तो 45 से बड़ा एंगल होता। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा झुकी किधर की तरफ होगी? x अक्ष की तरफ ज़्यादा झुकी होगी। y बराबर x होता तो 45 से जाती, y बराबर 2x होता तो 45 से ज़्यादा कोण बनाती, और ये वैल्यू दिख रही है 1/2, 45 से कम दिख रहा है। क्या सिंबल बना है इस पहली वाली लाइन में? इसका नाम दे दो 0, 60, 0 0, 60, ये 0, 0। पहली वाली में क्या सिंबल है? लेस। तो इस वाली लाइन में कहाँ रहेंगे? अंदर की बाहर?
अंदर, मतलब पक्का हो गया कि इसमें किधर रहेंगे, अंदर। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है ये 60, यही ध्यान देना कि कौन 60 वाली है, यही है। तो इसके ऊपर, इसके, इसके अंदर, इसके ऊपर। अब देखो इसका प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा बनता है, वाई की वैल्यू हमेशा यक्स से बड़ी, देखो यक्स बाई टू से बड़ी, यक्स बाई टू से वाई की वैल्यू, वाई इज ऑलवेज लेस देन, वाई इज ऑलवेज लेस देन यक्स बाई टू, यानी वाई का मान हमेशा यक्स बाई टू से छोटा होगा, यक्स बाई टू से छोटा होगा। तुमको पता है वाई की बड़ी वैल्यू तुमको पता है इधर चढ़ने पर मिलेगी, वाई की छोटी वैल्यू किधर मिलेगी, डाउनफॉल होने, दिख रहा है ना, ये बेसिक कोऑर्डिनेट हो गई। y लेस देन इक्वल टू x बाई टू है ना, यानी x की वैल्यू अगर आप 10 ले लोगे तो y की वैल्यू 5 से भी कम आएगी, 5 से भी, x की वैल्यू अगर 10 ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से भी कम। तो x की वैल्यू जब आप बड़ी लोगे तो y छोटी, तो वो किधर, इधर दबेगी कि ऊपर चढ़ेगी, जब x की वैल्यू छोटी लो y बड़ी आए तो समझो किधर जा रहे हो, और x की वैल्यू बड़ी लो और y छोटी हो जा रही तो किधर जा रहे हो आप भाई। आपको पता है अगर किसी भी लाइन का स्लोप इधर की तरफ झुका हुआ है तो यहाँ यक्स तेज़ी से बढ़ रहा होगा और वाई धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो यही तो पैरामीटर बता रहा है। तो ये किधर आएगी ग्राफिंग, इस लाइन के राइट, इसके नीचे आना है, इसके ऊपर जाना है और इसके राइट रहना है। कौन सा एरिया कैप्चर हो रहा है, ये सारा। इसमें दो कॉर्नर पॉइंट तो पहले से मिले हुए हैं, कॉर्नर और भी बन रहे हैं, कॉर्नर एक ये है, कॉर्नर एक, दोनों को पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाओगे, दोनों को हल कर देंगे, इसको हल करने जाएंगे तो यक्स की जगह पर 2y लिख देंगे तो 3y बराबर 60, तो y का मान 20, y का मान, हाँ तो ये इसकी लाइन के साथ इसका प्रतिच्छेद निकाल रहे हैं तो y का मान हो गया 20, y का मान 20, तो यक्स का मान 10 ही हो जाएगा, सॉरी यक्स का मान 40 हो जाएगा, y का मान 20 हो तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 नहीं होगा। इस पॉइंट को भी तो निकालना होगा अभी हमको, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको हल करेंगे, हल करने जाएंगे तो x की जगह पर 2y कर देंगे तो 4y बराबर 40, 120, बस x का, y का मान 30 नहीं आ जाएगा, y का मान अगर 30 हो जाएगा तो x का मान फिर 60 हो जाएगा, यक्स का मान देखो लगभग उसके सामने तो मैच कर रहा है, हो गए ख़त्म, मिल गए सारे कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट मिल गए तो अब इनका क्या करेंगे, बहुत टेंशन लेनी है, वही तो टेबल बना करके पॉइंट भर दीजिए और जो जो फलनवा है इनका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी चाहिए होगा, कई बार मैक्सिमा पूछता है कई बार मिनिमा पूछता है। तो आप ऑल टाइम के ग्राफ समझ गए, लेस का क्या होगा, ग्रेटर का क्या होगा, और ऐसी लाइन जो ओरिजिन से जाएगी कब ऊपर का लेंगे कब नीचे का लेंगे। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूरे चैप्टर में और दूसरे नहीं हैं, एग्जांपल भर लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो हैं भी कितने एग्जांपल, वही बार बार वही सवाल रख दिया है, केवल 8 एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में 12 सवाल हैं। तो अगर कोई ये प्लस माइनस वाला चक्कर डिस्टर्ब होता है तो परेशान नहीं होना है आपको, समझ रहे हैं कि नहीं, वो अपने से सेल्फ मैनेजमेंट कर लेना है। अगर किताब के साथ के आंसर के साथ या के एकाध एग्जाम्पल में तो वही एक है, ऐसे एक्सरसाइज में भी एक दो सवालों का जब आंसर मैच कराओगे तो ऐसे डिसमिस दिखेगा, तो उसको ठीक कर लेना, राइट, या तो आप सवाल को ठीक कर लेना या तो अपना पैटर्न सुधार देना, राइट, वैसे क्वेश्चन को ठीक कर लेना, आंसर सबके सही हैं वही, क्योंकि गलती यहीं हो सकती है ना, सवाल सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करेगा, गलती कहाँ करेगा, ये गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो गलत ड्राइंग हो जाएगी और ये राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो राइट ड्राइंग हो जाएगी। तो ये एक दो सवालों का मैटर होगा, कुल 16 सवाल एक्सरसाइज में है, नज़र डाल के देखिए हर सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है, और एग्जाम्पल का तो कहना ही क्या, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में रखे हैं, तो इनको लगा लीजिए, तो इसका काम आज ही शुरू है और आज ही ख़त्म है, इसके लिए कोई कल नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। लाओ प्लेन के डाउट बता दें, प्लेन के डाउट बता दें इसी वीडियो में, बता रहे हैं लगाया है, जब लगाना तो दिखाना, नहीं आना, नहीं लगाया। दो वेक्टरों के बीच का एंगल तुमको निकालना नहीं आता है,
दो वेक्टर कहीं दिए हों ए और बी, उनके बीच का कोण कोई पूछे, तुमको अभी तक इतनी तमीज नहीं आई है, पढ़ाई क्यों कर रही हो? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तुमको अब तक ना आया हो तो पढ़ाई बंद कर दो, खामखा अपना समय खराब कर रही हो। अगर पढ़ने में पूरा दिल दिमाग लगे तो काम भी हो जाए, लेकिन उतनी तमीज है नहीं है तो पढ़ाई क्यों करती हो? उसने कहा है चार बिंदु ए बी सी डी सबके निर्देशांक दे रखे हैं, शिक्षक हूँ तो जिम्मेदारी निभाऊंगा ना, तो बताऊंगा ही, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो तमीज से निभाना सीखो कि हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रेजेंस हमारा है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है। सी का कोऑर्डिनेट दिया है -4। जब आधा दिमाग लेके पढ़ने बैठोगी, आधा दिमाग कहीं और है, तो पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है। वो तो ऐसे पढ़ाई की नौटंकियाँ चल रही है। पुनः ए बी और सी डी रेखाएँ, तो ये रेखाएँ दिख रही हैं, जब पॉइंट कोऑर्डिनेट है तो वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर ए बी को आप ए स्मॉल ए कह दो, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट घटा दो। क्या नहीं बताया है? 57 बार बता चुका हूँगा अब तक, लेकिन अगर तमीज से बैठने, जब पढ़ने बैठो, जब उतनी उसकी तमीज हो तब ना सवाल बनेंगे। आधे अधूरे मन से टालने के लिए केवल घर वालों ने कह दिया जाओ बेटा पढ़ो जाके, तो पढ़ रही हैं यहाँ, लेकिन पढ़ने का लक्षण नहीं है। एक कहो वेक्टर ए निकल गया इसमें से इसको घटा करके, इसी तरह सी डी वेक्टर निकलेगा, क्योंकि सी डी के बीच का तो एंगल पूछा है, उसको वेक्टर बी कह दीजिए। का नहीं बताया है कभी, पहली बार हो रहा है ज़िंदगी में। 6i, हाँ इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 6j हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 8k हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो सीधे सीधे दिखने में लगा है, एंगल 0 आ जाएगा। ऐसे में दिख रहा, देखा वैसे पता चल गया, हमको तो अंदाजे से हमने इसे बना दिया शायद कोई एंगल निकले, लेकिन अभी क्या पता चला दोनों पैरेलल हो गए हैं। तो जब समय हो, घंटे पढ़े हो कि 24 घंटे हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये पढ़ना, तो पढ़ाई समझ में आएगी कि इसका क्या मतलब है। जब ऐसे फॉर्मेलिटी जैसे चले आए, सुबह सुअर जैसे उठा के चले आए मुँह पढ़ने, तो कौन सी पढ़ाई कर लोगे? बड़ा प्रश्न तो एक है, दोनों वेक्टर दिखने में जैसे बनाए होते हो पैरेलल, क्या पहली बार दिख रहा है? तो पढ़ाई जब फॉर्मेलिटी होती है, बोझ होती है, तो पढ़ाई नहीं होती है। चलो नंबर बोलो आगे, कौन सा था अनुज? 20, 19, 19 और 20, 19 देख लें और 20 देख लें। कह रहा है बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली दोनों रेखाओं इतने और इतने पर लंब रेखा का समीकरण। सुनना, इतने से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब, हाँ उसके अधिक अनुपात का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। और क्योंकि दो दो गिवन वेक्टर आपके पास हों, देखो जो दो दी हुई रेखाएं हैं, हाँ ये जो दी हुई दो रेखाएं हैं, मैं उनका एक्चुअल डायग्राम बना देता हूँ। जो दी हुई एक रेखा आपकी है उसका नाम है x-8/3, y+19/-16, z-10/7 = λ कह दीजिए। तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट मुझे पता है, इस लाइन का वेक्टर बी भी मुझे पता है। पहली बाई लाइन का वेक्टर बी क्या हो जाएगा? 3i, और जो दूसरी लाइन हमारी है वो किसी a2 से जाती होगी, b2 के पैरेलल होगी, उसका वेक्टर b2 पता है क्या है? देखो बताओ, 3i+8j-5k, ये भी वेक्टर हमें पता हो गया, ये भी वेक्टर पता हो गया। एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों पर लंब हो। तो मैं एक वेक्टर का कंसेप्ट बता चुका हूँ कि दो गिवन वेक्टर हों और उनका लंब वेक्टर पूछा जाए, उनका तो वो केवल एक और एक कंसेप्ट होती है एकमात्र, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। उनका ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2 है, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b1+b2। तो मुझे अपनी एक लाइन चाहिए जिसका पासिंग पॉइंट मुझे बताया गया है, वो क्या क्या है? 1, 2, -4, 1, 2, और मुझे चाहिए इन दोनों रेखाओं पर लंब, इन दोनों रेखाओं पर
तो इन दोनों रेखाओं पर लंब जो वेक्टर होगा वो बी वन क्रॉस बी टू के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, यानी मेरी रिक्वायर्ड लाइन का जो वेक्टर बी होगा वो बेसिकली बी वन क्रॉस बी टू ही हो सकता है और कोई दूसरी कहानी नहीं। तो बी वन तुम्हारे पास है, बी टू तुम्हारे पास है, बी वन क्रॉस बी टू निकाल के वेक्टर बी की व्यवस्था हो जाएगी और पॉइंट ए दे रखा है तो आपके पास लाइन की इक्वेशन चाहिए आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। बी कौन है? बी वन और बी टू का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर का बेसिक्स है कि अगर दो वेक्टर गिवन हों बी वन और बी टू और कोई कहता है इसका लंब सदिश बताओ तो क्या निकालना है हमें? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ का मिठाई बट रही है, बेवकूफ कह के चले जाते हो रोज, चलो बो मैं कंटाप मार दूंगा बाहर रहिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। 20 नंबर सवाल है, बिल्कुल प्रीमियम सवाल है, समझ में आएगा एकदम कंसेप्ट। ये हो जाएगा भाई इमरान? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? समतल के खंड ए बी सी हैं, इसकी मूल बिंदु से दूरी पी है, मूल बिंदु से दूरी, तो कह रहा सिद्ध कीजिए एक समतल ने अक्ष पर ए काटा है, बी काटा है और सी काटा है, तो इस समतल का समीकरण बताओ क्या होगा? एक्स अपान ए वाई अपान बी। इतना मूल तो कंसेप्ट है ही, है कि नहीं? अब इसी समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो इस पहले समतल को ठीक करो, बी सी एक्स ए सी वाई इज इक्वल टू, समतल सही फॉर्मेट में आ गया। अब इसी समतल पर मूल बिंदु से लंब डालना है, कहाँ से लंब डालना है? तो मूल बिंदु से जब आप लंब डालोगे तो ये सब जीरो 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 हो जाएंगे, तो हम कहेंगे P बराबर, क्या कहेंगे? लंब डालना आता है ना, कोई समतल का समीकरण अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर कुछ समथिंग हो तो मूल बिंदु से लंब डालना हो तो जीरो 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 जैसे सरल रेखा में डालते थे, तो P बराबर ये जीरो ये जीरो ये जीरो माइनस का ए बी सी अपान अंडर रूट एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो मूल धारणा है वही तो चल रही है, और लास्ट में ए स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लाओ और इसको वहाँ ले जाओ और स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ, हो सकता है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कराओ, तूफानी कर दें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन अपान पी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर करने से गायब हो जाएगा। नज़र डालो आंसर पर, आ गया क्या? सबको सेपरेट कर देंगे और आंसर हो गया। सुनोगे नहीं पूरी बात तो कैसे सवाल लगेगा? समतल के अंताखंड ए बी सी है, मूल बिंदु से दूरी पी, हो गया। और कोई बचा है? 12 नंबर नहीं आ रहा है, चलो 12 नंबर मैच हो जाएगा, काहे परेशान हूँ, बटा में दो आ रहा था, मेरा बटा में 3 आ रहा है, चलो आ जाएगा। कराए उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से गुजरने वाली रेखा और समतल के पार जाती है। बारह नंबर ना, उस बिंदु के निर्देशांक जो इतने से गुजरने वाली रेखा और समतल इतने के पार जाती है। ये रेखा जो है, क्या नाम है इसका? 3, -4, -5 और 2, -3, 1। एक समतल का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से गुजरता है, एक लाइन है इस प्लेन को कहीं पास करती है, कहीं
और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। और प्लेन का इक्वेशन भी दिया है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक बात पक्की है कि इन दोनों पॉइंट्स ने, पॉइंट्स को इस प्लेन ने किसी रेशियो में तोड़ा जरूर होगा। तो उस रेशियो को मान लो लेमडा रेशियो बन, के रेशियो बन, जो मानना हो। क्योंकि अगर ये लाइन इस प्लेन से गुजरी है, चाहे सीधी गुजर गई हो चाहे तिरछी गुजर गई हो, तो इन दोनों बिंदुओं को इस प्लेन ने किसी न किसी रेशियो में तोड़ा जरूर होगा। वो मुझे रेशियो नहीं पता है, सबसे पहले तो रेशियो को मान लेते हैं, क्या के रेशियो वन, लेमडा रेशियो वन, म्यू रेशियो वन, जो चाहिए मान। लेमडा रेशियो वन कंसिडर कर लिया, तो पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। एम एक्स टू एन एक्स वन अपान एम प्लस एन, ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। एम वाई टू माइनस का 3 लेमडा, एन वाई वन माइनस का 4, माइनस का अपान एम प्लस एन बताओ। और जेड कोऑर्डिनेट जाते हैं, तो एम जेड टू यानी लेमडा प्लस एन जेड वन यानी माइनस का 5 अपान लेमडा प्लस 1। आखिरकार ये तीनों पॉइंट जो आए हैं वो इस समतल पर बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? बैठे होंगे तो इसको संतुष्ट करेंगे, रखवा दीजिए भाई। समतल को काटा है तो ये बिंदु क्या कहाँ होगा? समतल के ऊपर बैठा होगा। जाइए कह दीजिए 2 लेमडा प्लस 3 अपान वाई की जगह प्लस कर लीजिए माइनस का 3 लेमडा माइनस का 4 अपान लेमडा प्लस 1। अब प्लस करके जेड जा रहे हैं, जेड का कोऑर्डिनेट क्या था? लेमडा माइनस 5 अपान लेमडा प्लस 1, वो किसके बराबर था? सारे लेमडा भगा दो उधर, लेमडा प्लस 1, तो कितने यहाँ लेमडा का मामला हो गया? 3 लेमडा कहाँ, हाँ अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, ये हो गया ठीक। एक्स वाला 2 रहेगा ना, ये सारे लेमडा प्लस 1 उधर भगा दो, तो 4 लेमडा, एक 5 लेमडा में 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 लेमडा। अरे सब चले गए ना उधर, तो बेखौफ हो गए कैलकुलेशन करें, 3 दोने और 5 4 माइनस का 9 प्लस का 6 कितना बताएगा? इज इक्वल टू 7 लेमडा प्लस 7, 7 लेमडा प्लस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 लेमडा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? तो लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा की वैल्यू आ गई, हमसे इन बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे, क्या रहा है? किस में आ रहा है सब? तो किताब में आ रहा है तुम्हारी, छोड़ो हम निकाल रहे हैं, आंसर से मैच कराओ, बात खत्म। लेमडा का मान प्लस 2 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, उससे मतलब थोड़ी, हमें पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन में पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, वो सही आते हैं तो बात खत्म, नहीं आते हैं तो ये जो मैं कर रहा हूँ इसको लिख देना, खत्म। ये कोई सवाल थोड़ी ना था, लेमडा का मान माइनस 2 रखो यहाँ, तो माइनस का 1 बचेगा बटे में माइनस का 1 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट जाओ, लेमडा का मान माइनस 2 है तो प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा अपान लेमडा प्लस 1, तो माइनस वही प्लस माइनस का 1 कितना आ जाएगा? ये तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए जाओ, लेमडा माइनस का 2 है, माइनस का 5 अपान माइनस का 1 कितना हो, प्लस का 7 चेक करो, 1 माइनस 2 7 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो यही सही है, बाकी सब गलत है। बाकी कोई ऐसा मेथड भी नहीं है कि तुमको बहुत पैनिक करेगा, कोई टेंशन देगा, सीधा साधा सोचोगे तो जल्दी आएगा, ऊट पटांग सोचोगे तो ख़राब आएगा। यही तो 5 दिन से चल रहा है, 7 दिन से तो ही नहीं तो पढ़ रहे हो कि वो काम नहीं हो रहा है, मुँह उठाए सुअर जैसे चले आएंगे यहाँ। तो अगर पढ़ाई लिखाई ना करनी हो, अगर समय ना दिया हो, क्वेश्चन नहीं बताए हो हमने, तो बात समझ में आती है। सर इसे ऐसे नहीं कर सकते, x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1 ई का कर रहा है भी। और बुक वेट फार्मूला से करते हैं। हो गया तो लगा चुके तुम प्लेन, तुम्हारी जिंदगी में तुमको प्लेन आ चुका, लगा चुके और आ चुका, बहुत लगा लिए हो। जब तुम बुक फॉलो करोगे तो प्लेन जिंदगी में कभी नहीं लगा पाओगे,
कभी नहीं लगा पाओगे। वो केवल जब तक फार्मूला है तब तक है, कल क्या होगा तुम्हें खुद पता नहीं, तुम्हारे कल का पता नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना। बुक में जब तक फार्मूला है तब तक हैं आप, फार्मूला नहीं तो आप नहीं, याद रखिएगा इस बात को, समझे कि नहीं। जब तक बुक में फार्मूला एग्जिस्ट करता है तब तक आपका प्लेन एग्जिस्ट करता है। हमारा प्लेन जो है वो बिल्कुल लिबरल है, मतलब वही 2D से होकर जाता है, जो कक्षा 11 में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, 2D ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसी को 3D में कन्वर्ट कर रखा है, कुछ और नहीं किया है। थोड़ा वेक्टर का सहारा जरूर ले लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर प्लेन के सवाल को आराम से लगाती है। अब किताबों में जाओगे, अभी तो यहाँ तो फिर भी झंडू बाम है, कंपटीशन में जाओगे तो ऐसा नंगा नाच मचाया है सारे गधों ने, जबकि ये प्रक्रिया कितनी आसान है, सीधी। उसने कहा कि ये दो बिंदु हैं इस समतल से पास होते हैं। अब मैंने तो ऐसे मान लो लंब दिखा दिया था, जरूरी नहीं कि ऐसे ही गुजरे, हम करें ऐसे भी तो गुजर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट इसमें बैठा होता कि नहीं बैठा होता। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ बैठा होगा, समतल पर ही तो बैठा होगा। ऐसे ऐसे पार कर दिए लाइन, तो जो ये फाड़ के जाएगा ये पॉइंट इसी पर तो बैठेगा। हमें रेशियो नहीं पता तो हमने K=1 मान लिया, तो इसके XYZ के जो भी कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो K=1 या λ=1 के पदों में आए कि नहीं आए। और जब सभी सिमिलर टर्म में आ गए हैं तो इसको संतुष्ट भी करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब पूरे चैप्टर को तुमने देखा है कि मैंने इसे लेमडा के सहारे लगाया है। ये थीम पकड़ लोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, और ये बकलोले ही करोगे, मुँह उठा के सुबह से चल दोगे, रात में नींद नहीं लोगे, सवेरे ऐसे चले आओगे, क्या करोगे, मतलब पूरा दिन दिन भर बैठे किताब कापी लेके, काम ही नहीं पूरा हो रहा है। तो ये एक टिपिकल समस्या है ना। और कोई बचा है? अब आज के बाद कोई सवाल नहीं बताऊंगा, लास्ट वाला लास्ट है, आज के बाद इस एक्सरसाइज या प्लेन से कोई सवाल नहीं बताऊंगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग आज शुरू कर दी, इसको भी कल ख़त्म करके आना है, याद रखिएगा। इसका लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई और कल ये ख़त्म होके आएगी, समझ में आ गई बात कि नहीं। कल इसे ख़त्म भी करना है, तो कल अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो ठीक है, फिजिक्स में आगे चला दें। बस एक ही एक्सरसाइज लगाऊंगा, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग की BML नहीं कराऊंगा। इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी बची है उसको करा दें। हाँ, प्रोबेबिलिटी अच्छा है, अब की बार 11th में प्रोबेबिलिटी कमज़ोर थी, 12th की प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल है। और 11th की नहीं पढ़ी है तो 12th में हवा भी नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा ये हो कह रहा है मेरे साथ। प्रोबेबिलिटी को टाइम देना पड़ेगा कम से कम 7-8 दिन का, उसके पहले ख़त्म नहीं होगी। ये लो।